जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। मिथुन राशि वालों, शनिवार का दिन 17 जून, आज ये रोहिणी नक्षत्र 4:25 तक शुक्र और चंद्रमा स्वामी है, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में मंगल का प्रभाव रहेगा। आज 17 जून रात 10:56 पर शनि वक्री होंगे। सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि योग में आज शनि का वक्री होना आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा। अब आपका व्यापार नौकरी अच्छा चलेगा, आपके जीवन में तरक्की सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में लाभ स्थान में बृहस्पति और राहु का गोचर है, जबकि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा बुध के साथ बैठा है, पंचम भाव में केतु का गोचर है और भाग्य स्थान में शनि का गोचर हो रहा है। आज आपकी कुंडली के लग्न पर सूर्य का गोचर है और धन भाव में मंगल शुक्र के साथ बैठा है। शनि का वक्री होना आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा, सफलता देगा, सुख भोगेंगे, खुशी आपके जीवन में बढ़ेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, आपके जीवन में धन वैभव बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की लाभ सौभाग्य का अवसर प्राप्त होगा। शनि का वक्री होना आपके जीवन में धन संपत्ति का सुख देगा और आपके लिए बड़ी सफलता कामयाबी का योग बनाएगा। आपकी कुंडली में जो ग्रहों की दशा है, जो नक्षत्रों की चाल है, जो ग्रहों का गोचर है, कुछ इस प्रकार है। सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, जबकि शुक्र मंगल अश्लेषा नक्षत्र में बुध से प्रभावित है। वहीं राहु के धन भाव में बुध बैठा है, शुक्र के सुख भाव में केतु का गोचर है और मंगल के कर्म भाव में बृहस्पति बैठा है, जबकि शुक्र के लाभ स्थान में बुध का गोचर हो रहा है। अगर सूर्य की बात करें तो धन स्थान में मंगल का गोचर है और लाभ स्थान में बृहस्पति बैठा है। आज आपकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा मंगल का प्रभाव बृहस्पति और शनि की दृष्टि है, जिसके कारण आपके लिए सफलता लाभ सुख का योग बन रहा है। आपके व्यापार अच्छे चलेंगे। बृहस्पति की स्थिति मंगल की स्थिति अच्छी होने से आपके लिए सुख संपत्ति बढ़ेगा। आज का दिन 4 चरण में व्यतीत हो रहा है। प्रथम चरण का स्वामी मंगल है, द्वितीय चरण का स्वामी बृहस्पति है, तृतीय चरण का स्वामी बुध है, चतुर्थ चरण का स्वामी शनि है। यानी मेहनत से जो भी काम करेंगे वो काम आपके सफल होंगे, परिस्थिति आपके जीवन की बदलेगी और आपके जीवन में तेज गति से तरक्की की प्राप्ति होगी। सुखी संपन्न जीवन है, भाग्यशाली आप हैं। शनि का वक्री भाव में गोचर करना कर्म से सफलता और समृद्ध जीवन देता है। बृहस्पति आपके जीवन में धन सफलता और सुख लेकर आए हैं। आपके कार्य क्षेत्र में सुधार होगा, समय आपको बदलता चला जाएगा और आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आज का दिन बड़ा भाग्यशाली दिन है, क्योंकि शक्ति और समृद्धि शुभ फल लेकर आता है। शुक्र चंद्रमा मंगल का प्रभाव है, बृहस्पति शनि की दृष्टि है, जिसके कारण किस्मत आपकी करवट बदल रही है। समय सफलता के लिए शुभ है। आपकी कुंडली की मजबूत स्थिति आपके जीवन में बड़े लाभ का अवसर लेकर आया है। अब आपकी किस्मत के द्वार भी खुलेंगे, तरक्की का योग भी बनेगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होगी, आप भाग्यशाली भी होंगे। आज राहु काल 8:53 से 10:39 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर पिंक होगा, लकी नंबर 9 होगा।
आज अमृत सिद्धि सर्वाद सिद्धि योग सुबह 5:23 से आरंभ हो जाएगा, जो शाम 4:25 तक रहेगा, जब तक शुक्र चंद्रमा प्रभावित करेगा रोहिणी नक्षत्र में। सर्वाद सिद्धि अमृत सिद्धि में आपके भाग्य बदलते जाएंगे और आपकी जीवन में बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। आज विजय मुहूर्त 2:42 और अमृत काल 1:03 सफलता भरा होगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त 11:54 आपके कष्टों को दूर करेगा और दिन की शुरुआत सुबह 4:03 ब्रह्म मुहूर्त में होगा। तो आज का दिन आपके लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है। शनिवार का दिन है, शनि वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। आप हनुमान जी का दर्शन करें, पीपल वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं, शनि देव की पूजा करें, निश्चित ही आपके जीवन में तरक्की का सुख मिलेगा, आपकी किस्मत बदलेगी, आपके लिए बड़े अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य का सितारा चमक रहा है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।